और अब बात करते हैं बुरहानपुर की, जहां पुलिस अधीक्षक बुरहानपुर राहुल कुमार लोढ़ा के निर्देशन में लालबाग पुलिस वर्ष 2020-21 के दौरान जिला अस्पताल बुरहानपुर में बृहद स्तर हुए शासकीय राशि गबन के प्रकरण की गंभीरता व सूक्ष्मता से विवेचना कर रही है। प्रकरण में आरोपियों की गिरफ्तारी लगातार जारी है। लालबाग पुलिस ने उक्त धोखाधड़ी व शासकीय राशि गबन प्रकरण में तत्कालीन जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर विक्रम वर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। डॉक्टर वर्मा वर्तमान में झाबुआ में जिला स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर पदस्थ हैं। आरोपी डॉक्टर विक्रम वर्मा द्वारा वर्ष 2020-21 में कोरोना महामारी के दौरान तत्कालीन सिविल सर्जन डॉक्टर शकील अहमद, आरएमओ डॉक्टर प्रतीक नवलखे एवं सीएमएचओ कार्यालय के जिला लेखा प्रबंधक सुशांत जीभेनकर के साथ साठगांठ कर शासकीय राशि का गबन किया गया। उसके द्वारा शासकीय मद में आई राशि नोट शीट तैयार करवा कर सीएमएचओ कार्यालय के माध्यम से रोगी कल्याण समिति के खाते में षड्यंत्र पूर्वक स्थानांतरित की गई। आरोपी डॉक्टर विक्रम वर्मा ने अपने पद का दुरुपयोग कर शासकीय राशि की हेराफेरी कर निजी उपयोग में लिया। पुलिस द्वारा आरोपी डॉक्टर से उसके द्वारा गबन की गई राशि से अर्जित संपत्ति के संबंध में पूछताछ की जा रही है। धोखाधड़ी पूर्वक गबन की गई राशि और उससे खरीदी गई संपत्ति जब्त की जाएगी। प्रकरण में पुलिस द्वारा अभी तक कुल 12 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। गिरफ्तार आरोपियों से करीबन 4.5 करोड़ की नकदी और संपत्ति जब्त की जा चुकी है। विराट 24 न्यूज के लिए बुरहानपुर से हेमराज रघुवंशी की रिपोर्ट।